कैसे हैं दोस्तों आप सब। आपका स्वागत है टेक्निकल बेरू चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप ट्यूटोरियल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। फोटोशॉप जैसे लाना हो तो हमें यहाँ पे स्टार्ट में जाना होगा और ऑल प्रोग्राम्स ये फोटोशॉप दिख जाता है दोस्तों। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों, हमें विंडो प्लस आर क्लिक करना है। अब फोटोशॉप लिख के सर्च कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा बोर्ड लिखा हुआ पहले से। यहाँ पे ओके करेंगे तो दोस्तों हमारे फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये वाला लाइन दिख रहा है जो ऊपर का, फाइल एडिट इमेज लेयर, ये वाला है हमारा मेन्यू बार, ये हमारा टूल बार, ये हमारा टूल बॉक्स। ये दोस्तों हमारा लेयर। तो दोस्तों हमें लेयर को जैसे किसी किसी में शो नहीं करता है तो हमें विंडो में जाना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है, इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो दोस्तों नया पेज लाने के लिए हमें यहाँ पे जा सकते हैं, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमें थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल में स्विच करना होता है। थंबनेल का साइज होता है 1280x720। रेजोल्यूशन लिखना है दोस्तों हमारा 72। और ये दोस्तों मेरा RGB रहने देना। बैकग्राउंड हमें वाइट सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। दोस्तों हमारा ये बैकग्राउंड है जो लॉक है अभी, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और अनलॉक कर देंगे। अब दोस्तों इमेज लाने के लिए भी यहाँ पे हम जा सकते हैं, फाइल पे ओपन लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करके ला सकते हैं हम। शॉर्टकट की है Ctrl O। दोस्तों मैंने डेस्कटॉप पे रखा है इमेज, यहाँ से क्लिक क्लिक करेंगे ओपन कर देंगे। तो दोस्तों अभी इमेज पे भी कुछ नहीं होने वाला, ना इधर होगा ना कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, इसे हमें डबल क्लिक करना होगा, अनलॉक कर देना। अब दोस्तों देख सकते हो सेम उठा सकते हैं कहीं भी। दोस्तों इसका हमें बैकग्राउंड हटाना हो तो हमें वेंट टूल यूज करना होगा, तो इसके लिए शॉर्टकट की है W और यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देना, क्लिक करेंगे डिलीट कर देना, फिर क्लिक डिलीट। तो इस तरह से दोस्तों हमारा डिलीट हो जाएगा। एक दोस्तों देख सकते हो सिलेक्टेड है तो इसे हमें अनसिलेक्ट करना है, तो Ctrl+D पे क्लिक करना है तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इस इमेज को इस वाले बैकग्राउंड पे लाना है, यहाँ से हम उठाएंगे, V प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो इसे क्लिक करके रखना है और ये उठा लिया हमने, यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे छोड़ देना है। दोस्तों हमें इमेज को नीचे करने के लिए शिफ्ट और एरो डाउन करना है। तो दोस्तों हमारा इमेज नीचे आ गया साफ साफ। तो दोस्तों हम एरो से इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, शिफ्ट प्रेस करके एरो यूज करेंगे तो फास्ट होगा। दोस्तों हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो इसे सिलेक्ट करना होगा Layer 0 और G प्रेस करना है हमें। दोस्तों कलर करना है तो हमें इसे कलर सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं ब्लू सिलेक्ट कर दिया, ये कलर हो गया दोस्तों।
दोस्तों देख सकते हो वेंट टूल से अभी क्लियर उतना हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए इसको। ठीक और दोस्तों पेन टूल अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों ग्रेडियंट टूल यूज कैसे करते हैं देखिए, दोस्तों जी हमने प्रेस किया था तो ये वाला सिलेक्ट हुआ पेन टूल, शिफ्ट जी करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब हमें लेयर पे रहना है जीरो पे, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे छोड़ देना है आगे जाके। तो दोस्तों हमारा देख सकते हो बैकग्राउंड डबल कलर में हो गया। तो दोस्तों हमें सेव करना हो तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ से सेव फॉर वेब क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमें जेपीजी में करना हो या जीआईएफ या पीएनजी में, तो मैं जेपीजी में सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूंगा। तो दोस्तों मैं लाइब्रेरी में सेव कर रहा हूँ पिक्चर्स में, यहाँ पे सेव कर देंगे। दोस्तों हम कट कर देंगे इसे। दोस्तों हमें देखना होगा इमेज हमने सेव किया था जो लाइब्रेरी में पिक्चर्स, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इमेज है। ये देखिए दोस्तों पहले का इमेज और आपका इमेज में फर्क कितना हुआ। देख सकते हो दोस्तों बैकग्राउंड चेंज हो गया। दोस्तों मैं पेन टूल से अगली बार वीडियो में दिखाऊंगा कि ये वाला पूरा क्लियर कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि मेरे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम।